वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे छोले चना, जिसे मैं आज आपको एकदम आसान तरीके से कुकर में किस तरह से बनाना है वो बताने वाली हूं। तो इसके लिए आपको पहले से चने उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काबुली चना जो आता है वो लिया है। 200 ग्राम चना को मैंने पानी से वॉश करके उसके लेवल तक का पानी ऐड करके ओवरनाइट भिगो के रखा है। कम से कम हमें इसे 7 से 8 घंटा भिगो के रखना है, तो ये चना अच्छी तरह से भीग कर रेडी हो जाता है। इसे हम साइड में रख देंगे और इसे बनाने के लिए एक बड़ा कुकर ले ले और उसमें 2 बड़े चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। आप स्टील, नॉन स्टिक या फिर एल्यूमिनियम कोई भी कुकर यूज़ कर सकते हैं। तेल के साथ ही हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो बटर या डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा जीरा ऐड करें। जीरा हो जाने के बाद गैस लो कर दे। अब इसी के साथ हम दालचीनी, लौंग और काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही में एक बेलीफ ऐड कर देंगे। 4 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेवी भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। जो लहसुन और प्याज खाते हैं वो 4 से 5 कली लहसुन और 4 मीडियम साइज के प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करें और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून या अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, जो भी आप रूटीन में यूज करते हो वो ले सकते हैं। और 2 छोटी चम्मच हम छोले मसाला लेंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बताया उस तरह से आप प्याज और लहसुन भी इसी के साथ ऐड करके इसी तरह से भून ले। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम अभी मैंने स्लो टू मीडियम रखी है। थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। मसालों को और टमाटर, प्याज जो भी आपने लिया है उसे इस तरह से ऑयल में पकाने से वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं किनारों पे ऑयल अलग होने लगा है, तो मैंने चने में से सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है। चने इसमें ऐड कर देंगे और चने को भी हमें 2 से 3 मिनट इसी तरह से मसाले में भून लेना है ताकि उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। और इस टाइम पे भी हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखनी है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। मैंने 1/2 चम्मच जितना ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। 2 मिनट तक मैंने चनों को मसालों में भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आपने जितने भी चने लिए हैं उसके लेवल तक का पानी आए उतना आपको ऐड करना है। तो मैंने 200 से 300 मिलीलीटर जितना पानी अभी ऐड किया है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और पहले इसकी मीडियम फ्लेम पे 2 विसल, फिर स्लो फ्लेम पे हम 6 विसल कर लेंगे। तो टोटल 8 विसल हो चुकी है और कुकर ठंडा हो चुका है। चने हम चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चने पककर रेडी हो गए हैं और पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है। थोड़े चने मैं प्लेट में लेके भी आपको बताती हूँ कि वो कैसे पके हैं। आप देख सकते हैं चम्मच से इजीली ये मैश हो जाते हैं। इस तरह से चने पके हुए हमें चाहिए। तो चने नहीं पके तो 1/2 विसल ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे कुकर में बनाए हुए इंस्टेंट छोले सर्विंग के लिए रेडी है। अभी मैंने इसे कुलचे के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो पूरी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये चने बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।